जो ये आपको डब्बा दिख रहा है सुधा का दही, जी हाँ ये 1 kg का है। जी हाँ 105 में मिलता था, हाँ। मगर अब आज से हो गया 115 रुपए केजी। ये देखिए 115 रुपए आपको दिख रहा होगा। और दिखाइए आधा केजी का कितना? 45 का था, हाँ। 50 हो गया, 5 रुपए बढ़ाया गया। इसको भी बगल में रखिए, ये 400 ग्राम 45 का था, हाँ। ये हो गया 50 रुपया, हाँ। और 200 ग्राम दही 25 का आता था, वो हो गया 30 रुपया। ये हो गया 30 रुपए, यानी ऊपर वाले पे 5 रुपए बढ़ाया गया, नीचे वाले पे 5 रुपए बढ़ाया गया, और 1 kg वाले पे 10 रुपए बढ़ा दिया गया। मतलब 250 वाले में 5 रुपए, यानी 25 का मिलता था 30 में मिल रहा है। जी, जी। आधा किलो पहले मिलता था ये 400 ग्राम, आधा किलो का नहीं आता, 400 ग्राम 45 का आता था, अब 50 हो गया। अब वहीं 400 ग्राम पाउच में 29 के आता था, वो 32 रुपया हो गया। वो पाउच कहाँ है? 29, यानी उसमें 3 रुपए बढ़ाया गया है। देखिए मतलब कि 3 रुपए इस पाउच पे भी बढ़ा दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लस्सी का दाम बढ़ा है या नहीं? जी बढ़ा है। लस्सी भी निकाला जाए फिर, क्योंकि लोग बहुत जानना चाहते हैं कि अब लस्सी दूध तो नहीं बढ़ा है। ये देखिए 10 रुपए का आता था, जी हाँ, अब ये 12 रुपया हो गया। 12 रुपया हो गया, 2 रुपया बढ़ा गया। पनीर तो मुझे बढ़ा या नहीं? पनीर का नहीं बढ़ा, पनीर नहीं बढ़ा, नहीं पनीर, लस्सी और दही। जी हाँ। चलिए देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, एक और बार हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो दही लस्सी देख रहे हैं आप, इसको आप 10 रुपए में पीते थे, लेकिन अब आप पियेंगे 12 रुपए में। ये 29 रुपए का मिलता था 400 ग्राम दही, जो पैकेट में मिलता है वो अब मिलेगा 32 रुपए, यानी इस पैकेट में, यानी दही जो आप 29 रुपए का लेते थे वो अब 32 रुपए का हो चुका है। और ये 1 kg भाई, 1 kg में तो 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, और 400 ग्राम पे 5 रुपए अब ये मिलेगा 50 में। पहले 45 का मिलता था, और ऊपर वाला जो है 250 ग्राम है वो पहले मिलता था 200 ग्राम 25 रुपया का, 25 में मिलता, वो हो गया 30 रुपया। तो चलिए हर चीज के दाम जो है वो बढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब लस्सी और दही दोनों हुआ महंगा, अब सोच समझ के खाना होगा। तो चलिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो लोग परेशान होते थे, अब घर में दही लस्सी भी लाना है तो सोच समझ के लाना होगा, क्योंकि 5 रुपए 4 रुपए 10 रुपए तक बढ़ गया है दही के दामों में। जी हाँ, अब देखना यह है कि लोगों का क्या हालत है, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो सबके घर में रोज आता है। भाई दही नहीं खाएं तो क्या खाएं, खाने के बाद दही हर लोग खाते हैं, लेकिन अब 10 रुपए बढ़ा के लाना होगा। तो क्या कुछ बढ़ा है वो आपने देख लिया, पनीर का दाम नहीं बढ़ा है, दूध का दाम नहीं बढ़ा है, बस और बस लस्सी और दही का दाम बढ़ा, ये दोनों के दाम बढ़े हैं। और बाकी में भाई लोग अब दर्द में रहेंगे, क्योंकि आटा का भी दाम बढ़ चुका है, चावल का भी दाम बढ़ चुका है, सबका दाम जो है वो बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि आजादी के बाद दाम बढ़ रहा है ये सबका। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।